हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Realme 3 Pro डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस की यूजर्स जो है पिछले काफी दिनों से अपडेट के लिए वेट कर रहे थे। फाइनली जो है इस डिवाइस के यूजर्स के लिए गुड न्यूज निकल के आ गया है। इस डिवाइस में फाइनली जून एंड जुलाई दोनों महीने की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। आप अगर इस डिवाइस के यूज करते हो तो आप अपनी डिवाइस की सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में अपडेट चेक करिए। अपडेट जो है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपके डिवाइस में मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए। आज हम वीडियो में इस अपडेट की लेटेस्ट बिल्ड नंबर क्या है ये बताने वाले हैं, अपडेट साइज क्या है, अपडेट में क्या इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, सारे क्वेरीज जो है सॉल्व करने वाले हैं इस अपडेट के रिगार्डिंग। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस अपडेट के रिगार्डिंग इन फ्यूचर अपडेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, Realme 3 Pro काफी पॉपुलर डिवाइस है। इंडिया में इसका जो यूजर बेस है काफी स्ट्रॉन्ग यूजर बेस है। इसका जो यूजर्स है पिछले काफी दिनों से वेट कर रहे थे अपडेट को लेके, तो फाइनली जो है लेटेस्ट अपडेट मिलना शुरू हो गया है। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट अपडेट के बिल्ड नंबर की RMX1851EX_11_C.18 इसका बिल्ड नंबर है। एंड फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं अपडेट साइज की, इसका जो लेटेस्ट अपडेट रिसीव हो रहा है इसकी अपडेट साइज है 500 MB, 500 MB की अपडेट साइज है। एंड फ्रेंड्स इसका जो बिल्ड नंबर है मैं स्क्रीन के ऊपर भी दे रहा हूं, आप यहां से भी चेक कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है ओटा अपडेट के थ्रू रोल आउट कर दिया गया है। एंड फ्रेंड्स ये जो अपडेट है ग्लोबली यूजर्स को जो है रोल आउट किया गया है, किसी इस सिलेक्टेड रीजन के लिए अपडेट नहीं है, ग्लोबली जो है इस अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है। एंड फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है एंड्रॉइड 10 बेस अपडेट है। आप अगर Realme 3 Pro डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का बीटा प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए नहीं है। जिसके डिवाइस में एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल्ड है उसी यूजर्स के लिए जो है ये अपडेट रोल आउट किया गया है। अगर मैं बात करूं इस अपडेट की इंप्रूवमेंट की तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है एक सिक्योरिटी पैच बेस अपडेट है। इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ साथ डिवाइस की जो सिक्योरिटी है इसमें जो है इंक्रीमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है इसे ऑप्टिमाइज किया गया है। आफ्टर अपडेट डिवाइस की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा डिवाइस की जो स्टेबिलिटी है इसे जो है इंप्रूव किया गया है। इसके साथ साथ डिवाइस की जो जितने सारे परफॉर्मेंस है ये सब में आपको इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं ये अपडेट आपके डिवाइस में कब तक मिलने वाले हैं तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है आपके डिवाइस में IMEI नंबर की बैच वाइज ओटा अपडेट के थ्रू आने वाले 1 वीक के अंदर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो अपडेट है आपके डिवाइस में जो है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आप अगर मैनुअली चेक करना चाहते हो डिवाइस की सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाकर आप मैनुअली चेक कर लीजिए। अगर आपके डिवाइस में रिसीव हो गया तो आप अपने हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड फ्रेंड्स इस अपडेट के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स सारे जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हो। वैसे कुछ भी क्वेरीज है कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट के आंसर जरूर देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं एक नए वीडियो एक फ्रेश वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।